बरेली के आलमपुर गजरौला गांव में बिचौलियों का भांडा फूटा है, जिसमें लाखों रुपए का हेरफेर जन सुविधा केंद्र के चलाने वाले युवक ने किया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो कि कोविड-19 सहायता राशि सभी के अकाउंट में दी गई थी, उसके लिए फर्जी अंगूठा लगवाकर और फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर बिचौलियों ने पैसे का गबन किया है। ये बच्चे आए पास करीब 4 महीने हो चुके, जब आए थे हमारे पास बोले अम्मी आधार की फोटो काफी दो फोटो दो और वो बनाएंगे, 500 रुपये दे रहे हैं ये लोग, जो बच्चे लेगा निकाल के, हम नहीं गए तो उनने इनसे अंगूठे लगवाए और खाते खोल दिए, हमें कुछ नहीं मालूम उस बारे में। फिर अब दूसरा के लेगा बुला के, उनकी माँ ही बुलाने, जिसान की माँ ही बुलाने, बोली चलो पैसे ले आओ, पैसे बटवाए, बच्चे फिर चले गए उनके साथ में, हम नहीं गए। फिर इनने अंगूठे लगवाए इनसे, बच्चों से 4 बच्चे हैं हमारे, उनसे चारों से लगवाए अंगूठे और फिर निकाल दिए, फिर भी हम नहीं गए। अब 8वें रमजान को फिर आई, बोली चलो बच्चे पैसे मिलना है निकलना है, चलो दे दें। पैसे 2 बार में नहीं दिए, तीसरा के आई तो 500 रुपये 2 बच्चों को दिए, 4 बच्चे। आपके दो बच्चे हैं, 4 कितने पैसे आपके बच्चों के आए थे इसके बारे में? अब ये निकलवाया हमने, जब खाता खुलवाया ना जियो का खाता खुल गया, जीरो का जी। तो वो उसमें कई तुम्हारे खाते खुले हुए हैं, जब हम उनके पास गए जी। तो हमने फिर ये निकलवाई है, तो इसमें निकले एक लड़के के 1000 के निकले, 21,000 निकलवा चुके हैं, 2 बार में निकाले हमने 10,000। निशा के निकाले हमने 2 बार में 10,000 और उसके सना के निकाले 10,000 और उसके अमन के भी 10,000 निकाले हमने 2 बार के बारे में। तो आपसे किसी प्रकार की पैसे की डिमांड करी उन्होंने अभी तक? ना उन्होंने नहीं करी, हम गए कल उनके पास। क्या नाम है जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? वो है जिशान है और आज़ाद भैया का लड़का है, जिशान आज़ाद का भैया। इसके बारे में यह है कि रात करीब 2:30 बजे मुझे बताया कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने बताया, फिर मैं नमाज वमाज पढ़ने के बाद में लोगों को बुलाया मैंने, लेकिन रात नहीं आ पाया, तो सुबह मेरे पास आए 4 से 10 लोग आए, तो मैंने उनसे जानकारी ली कि ये खाते आपके कैसे खुले। उन लोगों ने मुझे जानकारी दी कि भाई हमने जीसान नाम का लड़का है, उन्होंने हमको ये बताया था कि आपके मदरसे में नाम लिख जाएंगे बच्चों के, वहाँ वजीफा वगैरह आता रहेगा। अच्छा। तो वो जो है अब इन्हों को कुछ बच्चों को लालच भी है कि भाई हमारी मोदी सरकार योगी सरकार 500 रुपये भेज रही है, हमारा आज खाता होता तो हमें भी मिलते। अब इन लोगों को पूरी जानकारी ये नहीं थी कि हम खाते पहले ही खुला चुके हैं किसी जनरल में, तो ये जनसेवा केंद्र वालों ने बताया कि भाई आपका खाता तो पहले से खुला हुआ है और इसमें इतने पैसे का लेन देन हो चुका है। तो एक एक दो दो करके लोगों को जानकारी हुई कि अरे भैया हमारे खाते में इतने पैसे आए, इतने निकल गए, हमें कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सुबह 4-5 लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई बताओ क्या मामला है, तो मुझे ये बताया कि भाई हमें पैसे बिल्कुल नहीं मिले, हमारे खाते से लेन देन बराबर चल रहा है प्रधान जी। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने उनके घर पर भेजा किसी को, तो उस टाइम घर पर नहीं मिल पाया। फिर जीसान के पापा आए, जीसान भी आए, तो मैंने उनसे जानकारी ली कि भैया क्या मामला है, अगर ये पैसे आए तो इन तक पहुँचना चाहिए जी। तो हमें उन्होंने बताया कि भैया देखो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमको जैसा जैसा बताया गया था जो हमसे और ऊपर हैं, तो हम उनसे जानकारी लेंगे फिर इनके पैसे वापस दिलाने की कोशिश। राइट, लमसम कितने रकम का है इसका कोई अंदाजा? हमें जीसान ने बताया था कि भैया घर के यहाँ 66 खाते खुले हुए हैं, 66। अब उसमें से कुछ खाते ऐसे हैं कि 10,700 रुपये आए, कुछ खाते ऐसे हैं कि 4,500 रुपये आए। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि जैसे हमारी मोदी सरकार या योगी सरकार से हमें सरकार की तरफ से 500 रुपये मिल रहे हैं, तो उसमें वो भी आए, किसी की 2 किस्तें आ गई, तो इन चिटिंग वालों ने क्या करा है कि वो पैसे भी निकाल लिए। अब आपके 3 बच्चे हैं, तो अगर 3 बेटियां हैं तो 1,350 रुपये हो गए, 1,350 में एक बच्चे को 500 दे दिए, 2 को दिए ही नहीं कि आपके पैसे नहीं आए, तो लाभार्थी ने वही उसी पर सहमत हो गया। तो कुल मिला के ये भोली वाली जनता है, इसको जैसे घुमाया वैसे घूम गया। कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, कितनी जनसंख्या, कितने समय? हमारे यहाँ तो 66 लोग हैं, शायद सी बात है किसी को कोई पैसा नहीं मिला। जीशान नाम का युवक आलमपुर गजरौला गांव में जन सुविधा केंद्र चलाता है, उस पर ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस महामारी के समय में भी लोग गरीबों का पैसा खाने से बाज नहीं आ रहे। कोविड-19 रिलीफ फंड के जो पैसे मोदी सरकार ने भेजे थे वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे और लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार तो अपना दायित्व निभा रही है। बरेली से न्यूज के लिए विकल्प कुदेशा की रिपोर्ट।